और इधर कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। किरण चौधरी ने कहा कि बीते 7 सालों में प्रदेश में 28 बार पेपर लीक हो चुके हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि 7 साल से सरकार कर क्या रही है। किरण चौधरी ने कहा कि इनके मंत्री कहते हैं कि प्रदेश में पर्ची और खर्ची का सिस्टम खत्म हो गया है, लेकिन 28 बार पेपर लीक होने से यह साफ है कि यहां पर पर्ची और खर्ची का सिस्टम चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार जो 75% का एक्ट लेकर आई थी वो भी सिर्फ जुमला बनकर रह गया है। प्रदेश में पीजीटी और टीजीटी का सिलेक्शन भी 4 साल के बाद क्राइटेरिया बदलकर किया गया। 2015 से लेकर अभी तक ग्राम सचिव की भर्ती पेंडिंग है। किरण चौधरी ने कहा कि प्रदेश में इससे ज्यादा खराब हालात नहीं हो सकते। मुद्दे इतने सारे हैं, लेकिन ये सत्र जो है मुश्किल से 2 या 3 दिन चलाते हैं, तो उसमें कितने दिन क्या मुद्दे लग पाएंगे या नहीं लग पाएंगे। एक तो पेपर लीक का भी बिल्कुल ही रीसेंट मुद्दा है, जिसमें किस तरह से पेपर लीक हुआ है। और बड़े शर्म की बात है कि ये पहली बार नहीं है, 28 बार जो है 7 साल के अंदर पेपर लीक हो चुके हैं। तो इससे ज्यादा इस सरकार की विफलता और क्या दर्शाएगी। आप देख रहे हैं कि हमारे पास कोई प्राइवेट जॉब्स नहीं है, सरकारी बिल्कुल जॉब्स खत्म हो चुके हैं, इकोनॉमी जो है पूरी तरह से श्रिंक करती जा रही है। पहली बार ऐसे हुआ है कि इंडिपेंडेंस के बाद 7% जो है हमारा जो है इकोनॉमी का जो है दर जो है वो इतना बुरी तरह से श्रिंक करा है। और साथ ही साथ कोई ग्रोथ नहीं है, बिकॉज इंडस्ट्री कोई नई आई नहीं रही है, सो देयर इज नो ग्रोथ। ये जो पुलिस भर्ती का जो पेपर लीक हुआ है, मेरी तो मांग ये है कि ये सीबीआई की जांच इसके ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि अगर सीबीआई की जांच आप नहीं करवाएंगे, ये इन हाउस ही जांच करके आप छोड़ेंगे, तो कुछ होने वाला है नहीं। और इसी से पता चलेगा कि असलियत के अंदर ये हैं कौन किंग पिंस, और ये सरकार जो अपने आप को सरकार चला रही है कि तुम हो ही पूरी तरह से विफल हो, तुम कुछ काम करने लायक ही नहीं रहे हो। एक एडजर्नमेंट मोशन मैं लेकर आई हूं, जिस एडजर्नमेंट मोशन में आप 8 महीने से ऊपर हो गए हैं किसान भाइयों, बारिश में, धूप में, आंधी में, तूफान में बैठे हुए हैं बेचारे, रोज के कितने हैं टोल प्लाजास के ऊपर बैठे रहते हैं, कोई किसी को उनकी सुध-बुध की जरूरत नहीं है, ऊपर से उनको प्रताड़ित करा जाता है, उनके ऊपर केसेस थोपे जाते हैं, काले कानून ऐसे लेकर आ गए हैं कि पूरे के पूरा जो है ये जो पूंजीपतियां हैं उनको, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए काले कानून लेकर आए हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए सरकार की क्या मंशा है कि इतने लंबे लंबे आंदोलन जब हो रहे हैं तो आप बैठ के बात करके उसका समाधान निकालो, खत्म करो, वो करने के लिए तैयार नहीं है, अपनी शर्तें ऐसी लगा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है आज पूरा हरियाणा देख रहा है। और अगर किसान की हालात खराब होते हैं तो मानकर चलिए हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, हरियाणा के अंदर सबके हालात, चाहे मजदूर होगा चाहे कॉमन मैन होगा, सबका हालात बुरे होंगे। कि एक अभी स्ट्रीट लाइट स्कैम हुआ था इतना जबरदस्त, उसके ऊपर कॉलिंग अटेंशन मोशन लाए, जो 500 करोड़ रुपए का जो था, इलीगल माइनिंग जो है वो धड़ाले से चल रही है, चाहे इधर यमुनानगर इलाके में हो, चाहे चरखी दादरी में हो, भिवानी में हो, तुशाम में हो, या ये इधर जहां जहां माइनिंग है, इलीगल माइनिंग रैम्पेंट तरीके से हो रही है, खुले आम कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई भी वो नहीं है। तो कॉलिंग अटेंशन मोशन वो भी लेके आई हूं। फिर महंगाई, पेट्रोल डीजल के भाव इतने बढ़ गए, गैस के भाव आज बढ़ा दिया और 25% 25 रुपए और बढ़ा दिया। आज डीजल और पेट्रोल के ऊपर आप इतना जब वैट ले रहे हो तो फिर कहां महंगाई कम कैसे होगी। कोरोना पेंडेमिक पे कि जिस तरह से ये सरकार ने इतनी सारी डेथ्स हुई हैं, और कहने के लिए कहते हैं यहां इतनी हुई है वो उतनी हुई है, कि इसके ऊपर भी पूरी तरह से एक श्वेत पत्र जारी करा जाए, हमें पता चले कि ये किस तरह से ये सारा का सारा पेंडेमिक के अंदर कोरोना के टाइम पे कितनी डेथ्स हुई है, कहां कहां हुई है, किस कारण हुई है। कहते हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, दवाइयों की कोई कमी नहीं है। मुझे मालूम है माय पेरेंट्स, मेरे वो तो खैर देवर इन मेदांता, पर मेडिसिन जो है, जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन थी, वो लेने के लिए किस तरह से जगह जगह पर तरस के तरस, मतलब लोगों से मांग मांग के कहते किस तरह से करा है। और ये तो हालात हमारे जैसे लोगों के साथ हुए हैं,
जो आम आदमी होगा उसका सोचो क्या हाल होगा।